सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि फोर ईच लूप लगाने का सेकेंड वे देखते हैं यहाँ पर. ओके तो गाइस देखो, यहाँ पर फोर ईच लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्ली ब्रेसेस से लगा रहा हूँ ना यहाँ पर. तो गाइस एक और वे होता है फोर ईच लूप का यूज़ करना कॉटलिन के अंदर. तो गाइस हम फर्स्ट मेथड देख चुके हैं यहाँ पर पहले लास्ट वीडियो, मतलब लाइक काफ़ी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं यहाँ पर. ओके तो गाइस अगर नहीं देखी यहाँ पर तो आप जाके देख सकते हो यहाँ पर. ओके तो गाइस क्या करता हूँ मैं, इसको पहले इस प्रोग्राम को हटाता हूँ और देन आपको बता दूँ कि फोर ईच लूप एक और तरीका और वे कैसे होता है करने का. ओके तो गाइस क्या किया मैंने, एक कुछ एक एरे बनाया है यहाँ पर, एरे ऑफ बनाया और कुछ एलिमेंट बनाया, 1 2 3 4 एंड देन 5 पास किया. ओके एंड गाइस क्या किया मैंने, डॉट लगा दिया. आपको इसके 4 पास करना, देखो आपको 4 देन ईच पास किया. ओके अब गाइस क्या करना, देखो लिखा आपने ईच, अब गाइस आपको एक फंक्शन पास करना है सिंपल, आपको जस्ट ये पास करना है यहाँ पर. ओके अब गाइस देखो क्या कहने का मतलब है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर देना पड़ेगा. ओके अब गाइस देखो यहाँ पर ना कुछ कह रहा है, देखो यहाँ पर ये पैरेंथिस गिवन है और कुछ रिटर्न टाइप, देखो इसका मतलब इसके लैम्डा होता है यहाँ पर समझे, ये कोई एक लैम्डा का यहाँ पर सिंटेक्स होता है बेसिकली, जो अभी हम बाद में आगे वाली आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे बेसिकली. तो बस देख लो यहाँ पर लैम्डा का कुछ ऐसा होता है. तो गाइस देखो हम क्या, देखो हम ना क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ फंक्शन भी पास कर सकते हैं, इस फोर ईच लूप के फंक्शन है ना बेसिकली, इसके अंदर हम एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं. गाइस हम आने वाली वीडियो में ये भी देखेंगे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कैसे पास कर सकते हैं यहाँ पर. ओके तो गाइस यहाँ पर मुझे एक फंक्शन पास कर सकते हैं, बस फंक्शन अभी आपको पता नहीं है बट हम एक बार देखेंगे आने वाली वीडियो में यहाँ पर. ओके तो गाइस देखो कैसे पास करना है, आपको लिखना है आपको फन, गाइस आपको फंक्शन बनाना है किसी भी चीज़ का तो आपको फन कीवर्ड से करना पड़ता है. और गाइस जो यहाँ पर हम एनोमलस फंक्शन पास कर रहे हैं, एनोमलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता. ओके क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता. ओके अब गाइस क्या किया मैंने, यहाँ पर पैरेंथिसिस दे दी यहाँ पर. ओके एंड गाइस क्या करेगा, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. ओके क्या करता है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लेता हूँ इट, लिखता हूँ इट, इट लिख दिया देन मैं ये लेता है इन टाइप का पैरामीटर पास करता है, सिंपल इतना लिख दिया गाइस आपने. एंड गाइस क्या करो, आप एक कर्ली ब्रेसिस पास कर दो, दैट सेट काम हो गया. गाइस देखो हो क्या रहा है, फोर ईच लूप क्या करता है, एक फंक्शन अपने गेट करता है. ओके क्या करता है, फंक्शन लेता है अपने अंदर, जो मैंने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया और इसे बोलते हैं हम एनोमलस फंक्शन. और ये एनोमलस फंक्शन हमारे पास एक पैरामीटर लेता है. गाइस ये पैरामीटर इसलिए ले रहा है क्योंकि जितने भी वैल्यू यहाँ पर है ना वो सारी हर लूप के अंदर, मतलब हर एक लूप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्टोर होगी और इसके थ्रू क्या करूँगा मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा पाऊँगा. ओके तो गाइस अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, प्रिंट एंड लिखना है यहाँ पर. एंड गाइस आपको इट जस्ट पास कर देना एंड दैट सेट आपका काम हो चुका है यहाँ पर. गाइस लेट्स रन दिस की व्हाट विल बी द रिजल्ट. ओके ओके सो गाइस लेट्स सी. तो गाइस देखो 1 2 3 4 रिजल्ट आ चुका है यहाँ पर. आई होप गाइस कि आपको जस्ट क्लियर हो चुका होगा. गाइस अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ ये चीज़ यहाँ पर, तो गाइस आप जस्ट यहाँ पर लीव कर सकते हो इस चीज़ को. आप फर्स्ट जो हमने मेथड देखा है फोर ईच का, आप वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. गाइस हम जब आगे वाली वीडियो में लैम्डास पढ़ेंगे या एनोमलस फंक्शन पढ़ेंगे या फंक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो जब गाइस आपको ये 100% क्लियर आउट होगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर. ओके तो गाइस इस वीडियो के लिए जस्ट इतना ही. ओके